एक गाड़ी में चार लोग सवार है भाई बारात में जाने के लिए, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा पुलिस चौकी, हमारे भवन भाई हमारे साथ है, कुछ नहीं होगा सही, हमारे बच्चे हैं देखो। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले सभी को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और ट्विटर को हेलो। और आज आपका भुवन भाई फिर से रेडी हो चुका है एक नई वेडिंग शूट करने के लिए, और चलते हैं सीधा वहीं पर मिलते हैं और हल्दी शूट वगैरह करते हैं, क्योंकि ना हल्दी शूट करना ना बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि अगर पार्टी को ना हल्दी शूट करते हैं हम नहीं दिखाते ना तो बहुत बुरा लगता है। तो चलते हैं सीधा पहले वहीं पर मिलते हैं, हम लोगों को दिखाते हैं हल्दी शूट वगैरह फिर से। तो गाइज मैं पहुंच गया हूं लड़के वाले के घर पर और यहां हो चुकी है हल्दी की तैयारी। और ये रहे हमारे विष्णु भैया, अशोक भैया, अशोक भैया हाय, और वहां देख सकते हो अभी हेलो। और यहां ना पूरी तैयारी हो चुकी है, विष्णु भैया चला रहे हैं हमारे गिम्बल और एक कैमरा, ये रहा, बाकी सब तैयारी हो चुकी है। और वहां ना बिल्कुल दूल्हे राजे को बिल्कुल हल्दी लगा रहे हैं लोग घिस घिस के, हमारे रामदा रामदा पहली बार आए हैं हमारे रामदा हमारे ब्लॉग में। यहाँ लग रहा है डीजे, इतना बड़ा डीजे का काम चल रहा है और कितने लोग काम कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ डीजे लगाने में लग गए हैं भाई 10 लोग। और ये आराम फरमा रहा है, आराम फरमा रहा है, मालिक है क्या? हाँ मालिक है, मालिक है, मालिक भाई, मालिक डीजे का मालिक। और 11वें बंदे छोटे से, 11वें बंदे हेलो कर दे, हेलो अनुज भाई फिर मिल गए भाई, आज क्या काम कर रहे हो? बस मैं बढ़िया, आज एक काम लगे रहना ठीक है। दे रहे हैं कुछ? नहीं मैं नहीं दे रहा कुछ, ऐसे मत कर रहा है यार, नहीं यार ऐसे नहीं यार, वो खाते में लिख लेना ठीक है, ठीक है अनुज भाई। और गाइस यहाँ ना जो गर्मी वाला धान लगने की तैयारी हो रही है, यहाँ लगेगा गर्मी वाला धान, यानी कि जिनकी फसलें यहाँ पर, यानी कि हमारे यहाँ टहनी बोलते हैं, लेकिन ये गर्मी वाला धान होता है, सीजनों में मतलब दो धान लगा सकते हैं, ये लगभग 4 महीने में तैयार हो जाएगा, और बन के तैयार हो जाएगा तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा पानी की ज़्यादा खपत हो जाती है, लेकिन
क्या करें, किसान मजबूर है, करना तो है ही कुछ ना कुछ, क्योंकि इन्होंने इसमें लगाई थी लाही वगैरह की फसल, या मटर लगाया हुआ, इसलिए इनको डबल फसल करना पड़ रहा है। तो चलो डबल फसल इनको करने देते हैं, हम लोग चलते हैं आगे। और अशोक भैया बहुत आ रहे हैं हमारे चेतक में आज। जी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है आज ना। अशोक भैया की ना हालत ख़राब है, क्योंकि ना इनकी ना आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि इनको ना कल रात बुखार आ गया था और गोली खा खा के ना अभी जी रहे हैं जी। और क्या कर सकते हैं यार, अचानक आ गया इनको बुखार, तो दवाइयाँ ले लेके जी रहे हैं। और चलते हैं सीधा, देखते हैं इनकी हालत ना कब तक ठीक होती है, बट अभी थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि इन्होंने दवाई हमने इनको खिला दी थी। तो अब चलते हैं सीधा आगे, और अपने चेतक में ना हमें पेट्रोल भी डलवाना है, क्योंकि पेट्रोल डलानी मतलब बिल्कुल लास्ट पॉइंट में आ चुका है हमारा चेतक, तो इसमें ना इसकी खुराक भी डलवानी है, ताकि ना ये आगे और जा सके, नहीं तो हम लोग अटक जाएंगे बीच में। और अभी हम पहुंच गए हैं औदली गांव में, ये है हमारा औदली गांव, और इसके आगे ना पेट्रोल पंप है, इसी गांव के पास ना, इस गांव के बाद ना पेट्रोल पंप पड़ेगा, तो वहाँ डलाएंगे हम लोग इसमें पेट्रोल वगैरह। और चलते हैं सीधा आगे यार, मौज मस्ती करते हुए। लोग सोचते हैं यार ब्लॉगिंग करना कितना आसान है, एक बार करके देखो यार ब्लॉगिंग, पता चल जाएगा कि कितना आसान है कितना कठिन है यार, है कि नहीं। बहुत मेहनत करना पड़ता है यार। देखो अशोक भैया चुप बैठे, बट मैं ही ना इतनी देर से बक 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 कर रहा हूँ, क्योंकि यार क्या करें यार, मजबूर है अपने ब्लॉगिंग में, ये हमने काम चुन लिया है ब्लॉगिंग का, तो इसलिए ना बक 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 करना ही पड़ता है यार। तो चलते हैं सीधा बक 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 करते हुए आगे की ओर। तो गाइस यहाँ हमने कर लिया है अपना ड्रोन रेडी, और ड्रोन रेडी हो चुका है, और हमें लेना है ना अब सारी गाड़ियों का एक साथ ही वीडियो बनानी है, सारी एक साथ दिखानी है सारी गाड़ियाँ। तो सारा कुछ रेडी हो चुका है, और अशोक भैया ऊपर बैठे हैं, और ये हमारा ड्रोन भी रेडी हो चुका है। चलते हैं सीधा इसको उड़ाते हैं, और फिर दिखाते हैं लोकेशन यहाँ की। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां, चल भूल जाए फासले गाइस। अभी हम पहुंच गए हैं लड़की वाले के घर पर, और यहाँ हो गई स्वागत की पूरी तैयारियाँ, और थोड़ा बहुत रह गई है तो वो पूरी चल ही रही है। और चलो दिखाते हैं सीधा आगे। ओ अंकित भाई कैसे हो, और यहाँ चली भाई तैयारियाँ, ये दिल बनाने की कोशिश हो रही है पूरी। दिल कहाँ बना यार, अभी तो तैयारी चल ही रही है अंकित। और ये रहा वेलकम। हे ब्रो कैसा भाई, जल्दी जल्दी बनाओ। और भाई भाई ना पूरी मेहनत से लगा हुआ है यार दिल बनाने में, यार दिल कुछ टेढ़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से यार देख रहे हो, आम की तरह बना दिया भाई यार तुमने यार दिल को। चलो चलते सीधा अंदर ना, मैं अपना ड्रोन की ना बेटे यहाँ चार्ज वगैरह लगाऊंगा, तो सीधा अंदर ना पहले चार्ज लगाते हैं, फिर उसके बाद ना फिर से ड्रोन उड़ाएंगे। चलिए सीधा अंदर। और यहाँ हमारे बिस्सू भैया ला रहे हैं हमारे लिए शरबत। भाई शरबत आ गया, शरबत रसना भाई, कोल्ड ड्रिंक की जगह ना आज यहाँ मिल रहा है शरबत, मतलब यानी कि ना अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हुई नहीं है, तो इसलिए ना शरबत मिल रहा है भाई। बस अच्छा है ना कि यार पानी भी पिया जाएगा और शरबत भी हो जाएगा, थोड़ा सा मुंह मीठा भी हो जाएगा, काफ़ी अच्छा भी हो जाएगा। बस कोल्ड ड्रिंक से ना थोड़ा सा ज़्यादा बेकार भी नहीं है, हाँ कोल्ड ड्रिंक जैसा ही लगेगा यार। मज़ा आ गया भाई शरबत पी के, मज़ा आया ना, आप लोगों को भी आया होगा। ठीक है इंजॉय करो यार मेरे ब्लॉग को। और यहाँ ना हमारे लोग आ गए भाई, हमारे चाहने वाले हमारे भाई लोग आ गए भाई। और आज मेला नहीं गया मेरे भाई, मैं यहाँ मेला जाने के लिए कह रहा था, साहिल लोग गए हैं मेला लेकिन ये नहीं गया, क्यों तू क्यों नहीं गया? आज काम नहीं था। चलो ठीक है कोई नहीं यार, शादी अटेंड करने आ गया भाई, चलो मौज है अब। ये मेरे भाई, भाई बहुत बात कर रहा है, कहाँ बतका रही है भाई समझ। और मेरे भाई लोगों कैसे, हेलो हेलो, कहाँ भाई राज,
बस इतनी शादी में बहुत बार डांस करने नहीं जा रहे भाई डांस अभी नाचेंगे ओए मजनू अच्छे से नाचेंगे बहुत अच्छे से नाचेंगे कहीं चलो ठीक है अनुपम भैया हेलो अनुपम भैया हाय कैसे हो बढ़िया हो आज ड्यूटी लगा दी यार आपकी कह रहा ड्यूटी में लगा दी आपको से चलो ठीक है मिलते हैं आपको फ्री में I want you to know that it's your time. You've been needing promises.
तो गाइस जयमाला हो चुका है और मैं जा रहा हूँ ना अब घर की तरफ, क्योंकि ना मम्मी को छोड़ना है घर। मम्मी आई हैं दीदी के यहाँ, तो उनको छोड़ने के बाद ना मैं फिर नाइट शूट करूँगा। तो पहले यहाँ से निकलते हैं और जयमाला वगैरह बहुत अच्छे से हो गया, तो चलते हैं सीधा अब घर और मम्मी को लेकर ना सीधे घर ही पहुँचूँगा। तो मिलते हैं आपको आगे।